नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का सोना ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी। यह रेसिपी इतनी अच्छी बनती है जिसे देखते ही भूख लग जाता है। जिसे भूख नहीं है वो भी ज़रूर खाने के लिए बोलेगा कि लाइए हम खाते हैं, इतनी अच्छी है लगती है और झटपट बन भी जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें लेना एक कढ़ाई। यहाँ पे कढ़ाई में हमने 4 चम्मच डाला है मूंगफली। तो बिना तेल के ही हम सूखा मूंगफली भुनेंगे। तो देखिए जब हमारा मूंगफली चटकने लगे तो समझिए हमारा मूंगफली हो गया है और इसको निकाल लेंगे। इसको रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। तो बस इसी कढ़ाई में अब हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है तो 2 चम्मच। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा तेल गर्म हो गया तो 1/2 चम्मच हमने डाल लिया जीरा। और यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कली है जिसे हमने बारीक कट करके लिया है। और 1 बड़े साइज के प्याज, इसे भी हमने बारीक कट करके लिया है। अब यहाँ पे हमने डाला हरा मिर्च। तो हरा मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, जैसे आप तीखा पसंद करते हो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम प्याज को भूनेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें प्याज का कलर नहीं चेंज करना है। जब हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने लिया है बेसन। तो 1 चम्मच बेसन को हम इसी के साथ ही भून लेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारा बेसन भुन जाएगा। बेसन डालने से सब्ज़ी में देखिए एकदम अलग से टेस्ट मिलेगा आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। आप ऐसी सब्जी खाने के लिए होटल या ढाबा में जाते हैं, आप ऐसी सब्जी घर में तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय और बहुत कम सामान से बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बेसन जब भुन गया अच्छे से महकने लगा तो यहाँ पर हमने डाल लिया 1 कटोरी हरे मटर। यहाँ पे हमारा ताज़ा मटर है। तो थोड़ी देर जब हम मटर को भी भून लिए तब यहाँ पे हम डाल दिए हैं 2 टमाटर बारीक कटा हुआ। तो अब मटर और टमाटर को भी थोड़ी देर हम भूनेंगे। तब यहाँ पे हम डाल रहे हैं मसाले। तो यहाँ पे 1/2 चम्मच हमने लिया हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लिए हमने धनिया पाउडर और यहाँ पर हमने लिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है उसके हिसाब से हमने थोड़ा कम लिया है। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे तो नमक अभी थोड़ा डालेंगे जितना हमारा टमाटर और मटर उसके हिसाब से। और 1 चुटकी यहाँ पे हींग डाल देंगे। हींग बहुत ज़रूरी है तो हींग आप ज़रूर डालिएगा। हींग डालने से स्वाद तो बढ़ ही जाएगा, बाकी डाइजेस्ट भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर हमने डाल दी करीब 3 से 4 चम्मच पानी। तो पानी इसलिए डाला है ताकि जो है कि हमारा मसाला अच्छे से पक सके। और यदि आपको पानी कम लगे तो आप पानी थोड़ा और डाल दीजिएगा 1-2 चम्मच, क्योंकि यहाँ बेसन भी है तो बेसन थोड़ा सा पानी सोख लेता है। इसको धीमी फ्लेम करके और हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया है। तो देखिए 2 मिनट बाद हमारा मसाला अच्छे से पक गया, तेल हमारा ऊपर आ गया है। अब इसको हम बढ़िया से चला लेते हैं। देखिए बेसन की वजह से थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था तो अच्छे से इसको छुड़ा लेंगे। आप यदि नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम पालक लिए था और इसको अच्छे से 2-3 पानी धो लिए, धो के बारीक कट कर लिया है। तब यहाँ पे अब हम पालक डाल देंगे। तो पालक जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है और एकदम हरे फ्रेश हमारे पालक हैं। तो पालक जो है कि खूब ताज़ा रहता है तो उसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छे से मसाले के साथ हम पालक को मिला लेंगे, बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने जो मूँगफली लिया था वो जो ठंडा हो गया तो उसके छिलके उतार के इसको हमने खल में ही कूट लिया। हमारे यहाँ लाइट चली गई इसलिए हमने खल में ही कूट लिया। बाकी आप मिक्सी के जार में डाल के दरदरा इसको पीस सकते हैं। तो हमें दरदरा ही करना है। बस अब मूंगफली को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मूंगफली डालने से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है सब्जी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। तो थोड़ा देर भूनने के बाद ही पानी डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी भर के पानी लिया है। तो पानी जो अभी पालक भी अपना पानी छोड़ेगा इसलिए अभी हमने 1 कटोरी लिया। यदि आपको कम लगे तो आप हल्का गुनगुना पानी करके इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक पहले हमने टमाटर में भी डाला था तो इसलिए ध्यान से नमक डालेंगे। पालक वैसे खारा होता है तो पालक में नमक थोड़ा कम चाहिए होता है। अच्छे से नमक भी मिक्स कर देंगे और इसको धीमी फ्लेम करके 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे, बीच बीच में हिला डुला दीजिएगा कहीं तली में चिपक ना जाए। तो देखिए 5 मिनट बाद आपको हम दिखा रहे हैं, बीच में 1-2 बार हमने चेक कर लिया था। कितना बढ़िया हमारा सब्जी बनके हो गया है तैयार। देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है।
आप यह सब्जी रोटी के साथ, पराठा के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। यदि आप इससे थोड़ा ढीला रखना चाहते हैं तो यहाँ पर गुनगुना पानी आप डाल सकते हैं। आप ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, धनिया तो सब्जी की जान होती है, धनिया डालते ही सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है, तो धनिया भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे ताकि खुशबू आ सके। चलिए चलते हैं तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने तड़का पैन ले लिया, इसमें हमने डाल लिया छोटी चम्मच से 2 चम्मच घी। तो घी हमारा जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं जीरा। अब जीरा जैसे हमारा चटक जाए तब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन हमने पहले भी डाला है और अभी भी डाल रहे हैं, इसीलिए तो इसे लहसुनी पालक कहा जाता है। तड़के में भी लहसुन जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद। अब धीमी फ्लेम पे हम तड़का तैयार करेंगे। तो जब हमारा हल्का हल्का लहसुन हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च। तो यहाँ पे हम 2 लाल मिर्च डाले हैं सूखा। तो देखिए हमारा अच्छे से लहसुन भी हो गया है। तो अब चलते इसको हम सब्जी में डालते हैं। तो सब्जी में डालने से पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जब हम तड़के में डालते हैं तो बहुत बढ़िया कलर हो जाता है हमारे सब्जी का। तो हम सारा तड़का इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए तड़का ताकि हमारे सब्जी में अच्छे से खुशबू आ सके बढ़िया से। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा सब्जी लग रहा है और कितना अच्छा से हमारा ये तैयार हो गया। तो बस सर्व करने के लिए तैयार है, इसे सर्व करते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं निकाल के कितना बढ़िया लग रहा है। यह सब्जी देख के आपको भूख नहीं रहेगा, तब भी भूख लग जाएगी, इतनी अच्छी लगती है सब्जी। आप यह सब्जी बना के ऑफिस भी ले जा सकते हैं और घर में लंच में डिनर में कभी भी बना सकते हैं। तो जो हमने थोड़ा सा बचाया था तड़का ये ऊपर से डाल देंगे, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो देखिए झटपट हमारी कितनी बढ़िया सब्जी हो गई है बन के तैयार। तो ऐसी सब्जी आप घर पे बना सकते हैं। जो सब्जी खाने के लिए आप बाहर जाते हैं होटल में, ढाबा में, रेस्टोरेंट में, तो आप कभी नहीं जाएंगे और आप इस तरह से घर में तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लाइक और कमेंट किया करें जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा भी लगे आप हमें बता दिया करें। आप सब हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको पता चल सके सबसे पहले। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।